फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल में। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी NCL के स्टाफ नर्स एग्जाम पेपर की आंसर की। ये पेपर 20 जनवरी 2019 को हुआ था। ये फुल पेपर की आंसर की है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर इस आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन कब तक और कैसे नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड को ऑफिशियल रूप से भेज सकते हैं। इस ऑब्जेक्शन को सोल्व करने के बाद ही स्टाफ नर्स एग्जाम पेपर का NCL है वो रिजल्ट जारी करना है। तो आपको जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्शन सेंड करने हैं। पहले अपने आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन एनेमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक नर्स एक एनेमिक मरीज की देखभाल कर रही है, किस खोज से उसे पता चलता है कि यह एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। तो फ्रेंड्स, पोस्चुरल हाइपोटेंशन से हमें पता चलता है कि ये एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए पेशेंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज टू इंड्यूस लेबर। एक गर्भवती महिला में लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन का उपयोग किया गया है, तो नर्स को पेशेंट के किस लक्षण की निगरानी करनी चाहिए। तो अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से लेबर इंड्यूस किया गया है तो नर्स को यूटेराइन टिटेनी का वो ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, मेटर्निटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट, यानी प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलिटस के लिए स्क्रीनिंग है वो कब की जाती है। तो वो की जाती है 24 से 28 वीक में, सेकंड जो ट्राइमेस्टर है उसके लास्ट में की जाती है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट है वो 24 से 28 वीक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन फोर्थ है, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। यानी जो एक नर्स ऑपरेशन थिएटर में काम कर रही है उसको पता होना चाहिए कि HIV इन्फेक्शन की नीडल के प्रिक होने से किस रेशो में HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रेशो होता है 1:300। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, फ्रेंड्स, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्वाइन फ्लू एंड सी हैज टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज, यानी स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओसाल्टामिविर। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन सिक्स है, एन इन्फेंट इज बोर्न प्रीसिपिएटली आउटसाइड द लेबर। एक बच्चा है वो लेबर रूम के बाहर ही उसका जन्म हो गया, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो नर्स को सबसे पहले करना चाहिए इस्टाब्लिश एन एयरवे फॉर न्यूबॉर्न। ऑप्शन बी इज राइट। नवजात शिशु के लिए श्वसन क्रिया की जो स्थापना है वो सबसे पहले की जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, वाट इज ए नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वैन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के लिए जो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो अपगार स्कोर के लिए जो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो होता है हार्ट रेट। ऑप्शन ए इज राइट। एट्थ क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन एनाल्प्रिथ एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए वो एनाल्प्रिल और डायूरेटिक थेरेपी भी है। नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन सी फाइंड। तो नर्स फिजिशियन को कब नोटिफाई करेगी कि ये जो थेरेपी है वो इफेक्टिव नहीं है। तो अगर उसको इडिमा इन लेग्स यानी इडिमा लेग्स नोटिफाई हो दिखाई दे तो वो फिजिशियन को नोटिफाई करेगी कि अपने जो एनाल्प्रिन और डायूरेटिक थेरेपी दे रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नाइन, हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। तो हेल्दी अलर्ट न्यूनेट की जो हार्ट रेट होती है वो होती है 110 से 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन टेन है, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइस ट्यूब फॉर ए पेशेंट। यानी नर्स है वो एक पेशेंट में राइस ट्यूब इंसर्ट कर रही है। बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ एंड गेस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। तो नर्स है वो राइस ट्यूब डालने से पहले
जो इनसीजर टीथ है और गेस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन है उसके बीच में उसको दूरी का पता होना चाहिए कितनी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस लगभग होती है 40 सेमी। इन्होंने आंसर दिया एनसीएल ने ऑप्शन बी है वो राइट माना है 40 सेमी। अगर आपको ये गलत लगता है और आप बुक में देखिए मुझे भी थोड़ा गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करवा सकते हैं। ऑब्जेक्शन सबमिट करने का तरीका है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन आप इसको एक बार कन्फर्म कर सकते हैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन करिए। क्वेश्चन 11 है, नर्स इज अबाउट टू कैथराइज ब्लैडर ऑफ एन प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू। तो नर्स है वो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कैथराइज कर रही है और वो फीमेल यूरेथ्रा के बारे में जानती है कि ये चीज़ें हैं वो राइट है और एक है वो गलत है। तो इट इज अबाउट 1.5 इंचेज लेंथ, इट इज प्रिस थ्रो यूरेथ्राइल डायफ्राम, इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंट वॉर कैथराइजेशन। ये तीनों जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो तो राइट होते हैं, यहाँ पे फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही बात है, लेकिन जो इट इज पोस्टियर टू वेजाइनल ओरिफिस ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 11 में ऑप्शन बी इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट मेटासाइज कॉमनली टू लीवर, यानी कौन सी जो कैंसर है वो लीवर में मेटासाइज नहीं होती है, तो ये होती है प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन डी इज राइट, 12 में ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, सभी विटामिन ए के बारे में ट्रू है किसी एक को छोड़कर। तो हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक, विटामिन ए के बारे में ट्रू है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टिलिटी इन मीजल्स, ये भी ट्रू है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोरबिडिटी इन डायरिया, ये भी ट्रू है, बट इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन 13 का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये ए सही हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन ए है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है, ये लीवर में या फिर मछलियों में कोड लीवर ऑयल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज टू बी ह्यूमिफाइड, बिकॉज नर्स है वो ऑक्सीजन थेरेपी देती है और ये जानती है कि ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, क्योंकि ऑक्सीजन है वो ड्राई गैस है और अगर इसको ड्राई दे दिया जाएगा तो ये अपने म्यूकस है उसको थिक कर देगी, गाढ़ा कर देगी। तो ऑप्शन बी इज राइट, 14 में ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएट विद द यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, IUCD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज के यूज के लिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। तो इसके यूज से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है IUD से, एन एक्सेसिव मेंसुरल फ्लो, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स, मूत्र कैथेटर को खींचने से बचाने के लिए नर्स कैथेटर को रोगी को कहाँ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें होता है अपर थाई इज राइट, अपर थाई इज राइट, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 16-year-old प्रेमी ग्रेविडा पेशेंट एडमिटेड विद सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, गर्भावस्था से प्रेरित गंभीर उच्च रक्तचाप से पीड़ित 16 वर्षीय प्रेमी रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम यानी उसको IV मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, तो नर्स को निम्नलिखित से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो नर्स को जो रेस्पिरेटरी रेट है वो एवरी आवर्स नोट करनी चाहिए, असेस करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स उसको नर्स को असेस करनी देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को है वो इंट्राविनसली मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेट्स 180 पाउंड, यानी एक्टिव मेल पेशेंट है जिसका वजन 180 पाउंड है, हैज अंडरगोन डाइटरी इंस्ट्रक्शन, द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट हिज करंट डाइटरी कंसिस्ट 60 ग्राम ऑफ फैट
200 mg कोलेस्ट्रॉल 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे, व्हाट ए नर्स एडवाइज द पेशेंट टू डू। यानी एक पेशेंट जिसका 81.65 kg वेट है, उसकी डाइट में 60 ग्राम फैट है, 200 mg कोलेस्ट्रॉल और 5 ग्राम सोडियम है, तो नर्स उसको क्या एडवाइस देगी। तो नर्स उसको देगी डिक्रीज हिज सोडियम, उसको अपनी डाइट में सोडियम कम करना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 19 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे आम जटिलता क्या है जिसके लिए एक नर्स को प्रीटर्म शिशु में निगरानी करनी चाहिए, प्रीटर्म शिशु में निगरानी करनी चाहिए। तो प्रीटर्म शिशु है उसमें निगरानी करनी चाहिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। प्रीटर्म जो भी होते हैं उनके लंग्स का डेवलपमेंट कम होता है, तो उसके लिए जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसकी निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क और रिकॉर्डिंग फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। यानी कोल्ड मिल्क पिया है बच्चे ने या किसी भी ने, तो उसका ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कितने टाइम तक वेट करना चाहिए। तो 10 से 20 मिनट तक नर्स को वेट करना चाहिए किसी भी ठंडी या गर्म चीज़ को पीने के बाद में ओरल टेम्परेचर लेने के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनल डेथ इज एक्सप्रेस्ड डेथ पर, तो मातृ मृत्यु दर है व्यक्त की जाती है प्रति मृत्यु सापेक्ष। तो जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट होगी फ्रेंड्स, डेथ रेट मतलब होता है कि 1 लाख लाइव वर्ष पे ये काउंट की जाती है, 1 लाख लाइव वर्ष पे प्रेगनेंसी के कारणों से या प्रेगनेंसी के बाद 42 दिन तक कितनी जो फीमेल्स की मृत्यु होती है वो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है। तो ऑप्शन में 1 लाख का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 1000 लाइव बर्थ दिए गए हैं, 10000 लाइव बर्थ दिए गए हैं। तो आप इसको फर्दर इवैल्यूएट करें क्वेश्चन को, और अगर आपको ये ऑब्जेक्शन लाइक लगता है, इन्होंने ऑप्शन सी को सही माना है 10000 लाइव बर्थ, तो WHO के अकॉर्डिंग 1 लाख लाइव बर्थ पे मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो एक्सप्रेस की जाती है। तो इसके लिए भी आप NCL को ऑब्जेक्शन दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। नेक्स्ट 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए नर्स हैज टू कंसिडर एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन। निम्नलिखित से किस सूचकांक में नर्स को अच्छे पोषण के संकेतक के रूप में विचार करना चाहिए। तो ये होता है ऑप्शन डी, टोटल लिम्फोसाइट्स 1900 पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में अगर 1900 टोटल लिम्फोसाइट्स है तो ये एक गुड न्यूट्रिशन का संकेत है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज 23, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विद ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑर्थियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट। तो नर्स है वो एक ओल्ड लेडी की केयर कर रही है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। तो नर्स को पता होना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये सभी चीज़ें सही है किसी एक को छोड़कर। तो ऑर्थियोआर्थराइटिस में क्रेपिटस होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी होते हैं, पेन ऑन मूविंग जॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन टोफी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24, द नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल मदर बेबी कपल्स इन प्लानिंग द केयर फॉर ईच ऑफ द कपल्स विच मदर वुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर द बर्थ पेन्स। तो मदर है वो कई माँ बच्चे के जोड़े की देखभाल करती है, प्रत्येक जोड़े के लिए देखभाल की योजना बनाने में जन्म के दर्द के बाद नर्स को कौन सी माँ में सबसे गंभीर होने की उम्मीद है। तो ये होता है ग्रेविडा थर्ड एंड पेरिटी थर्ड पेशेंट हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, उसमें सबसे ज़्यादा है वो उसको सीवियर होने की पेन होने की उम्मीद होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। इनमें से कौन सा फीमेल बोनी पेल्विस का डिस्क्राइब टाइप नहीं है किसी एक को छोड़कर, कौन सा नहीं है फ्रेंड्स सॉरी। तो एंड्रॉयड फीमेल
का पेल्विस टाइप होता है, गायनेकोइड भी होता है, एंथ्रोपोइड होती है, लेकिन ऑब्स्ट्रेट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो ब्रेस्ट फीडिंग के सभी बेनिफिट है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो इट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट है। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड ए हाई लेवल इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी अच्छा है, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही होता है। लेस प्रोन टू गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट है। इट प्रोवाइड एडिक्यूट आयरन फॉर प्री मेच्योर न्यू बॉर्न, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट, मिल्क में आयरन नहीं होता है, ऑप्शन डी इज राइट, ये ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विद IUCD विच IUCD नीड्स टू रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर, यानी कौन सी इंट्रायूटराइन डिवाइस है जो 10 सालों के बाद में रिप्लेस करने की जरूरत होती है। तो ये होती है कॉपर T380A, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए नर्स विल एडवाइज, यानी न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स है जिनको हनीमून कपल्स भी कहा जाता है, वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेस्ट मेथड नर्स से पूछ रहे हैं। तो नर्स उनको एडवाइज करेंगे कंबाइंड ओरल पिल्स, ऑप्शन डी इज राइट, कंबाइंड ओरल पिल्स। नेक्स्ट 29 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया, तो फीटस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन में कहाँ से आता है, तो आता है डक्टस वेनोस में, डक्टस वेनोस से आता है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी इज कॉज्ड बाई, तो परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होती है ये HIV के कारण होती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस, तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, कारण बन सकता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी है, ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई ए पेशेंट विद बैकएक शुड अलर्ट द नर्स, पीठ दर्द के वाले रोगी द्वारा निम्न से कौन सा कथन नर्स को सचेत करना चाहिए, बैकएक हो रहा है तो अगर वो क्या कहे तो नर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, तो वो कहे पेरिनियल एनेस्थीसिया, यानी पेरिनियल फील्ड में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए तो वो नर्स को अलर्ट करता है पेशेंट के बारे में, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज अराउंड, इंडिया में अभी मोर्टिलिटी रेट लगभग कितनी है, तो 39 में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी 33 में जो इंडिया में प्रेजेंट में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो अभी है 39 के अराउंड, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी, हेड इंजरी में कौन सी ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो मोरफिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 35, द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट डायग्नोस्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू, तो एक इन्फेंट है जो कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस डायग्नोसिस हुआ है, उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा किस के डैमेज से बचाने के लिए, तो ब्रेन के डैमेज से बचाने के लिए, तो ऑप्शन डी इज राइट, ब्रेन के डैमेज से बचाने के लिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 36 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ट्विन प्रेगनेंसी के सभी कॉम्प्लिकेशन है किसी एक को छोड़कर, अबॉर्शन ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है, लो बर्थ वेट भी कॉम्प्लिकेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन भी हो सकता है, पोस्ट मेच्योरिटी नहीं होता, ऑप्शन बी इज राइट, 36 में ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट 37 है, नर्स केयरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज,
नर्स है वो हाई रिस्क पेशेंट है, जो कि हाई रिस्क पेशेंट है हार्ट डिजीज के लिए, उसकी केयर कर रही है। मस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वर लेजन कोज डेथ ड्यूरिंग, यानी कौन सी जो हार्ट डिजीज है, वल्वर लेजन डिजीज है, वो लेबर के दौरान डेथ कर सकती है। तो ये कर सकता है मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन सी इज राइट, मिट्रल स्टेनोसिस। नेक्स्ट 38 है, विच टेस्ट रिजल्ट शुड ए नर्स रिव्यू टू डिटरमाइन इफ द एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट विल बी अफेक्ट, यह निर्धारित करने के लिए कि रोगी को एंटीबायोटिक प्रभावी होगा या नहीं, यह जानने के लिए नर्स को कौन सा परीक्षण के परिणाम की समीक्षा करनी चाहिए। तो यह होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑप्शन बी। सेंसिटिविटी टेस्ट से ही अपने को पता चलता है कि पेशेंट में कौन सी ड्रग है वो रेजिस्टेंट है और कौन सी सेंसिटिव है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, द कलर ऑफ सेंटर स्क्वेयर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन ए वेल स्टोर पोलियो वैक्सीन शुड बी, यानी जो वेल स्टोर पोलियो वैक्सीन है उसमें वीवीएम का कलर है वो क्या होना चाहिए, तो उसका वीवीएम का कलर है वो वाइट होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से कोल्ड चेन को मेंटेन की है। ऑप्शन ए इज राइट, 39 में ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेस्ट किससे बने हुए हैं, 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, तो ब्रेस्ट बने हुए होते हैं ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से, ऑप्शन डी इज राइट। 42 है, मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट इज, एड्स पेशेंट्स के मेजर सिम्टम क्या होते हैं, वेट लॉस, डायरिया, फ्यूरी, ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ वो, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, द आइडियल वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो एक एडल्ट पर्सन है उसका आइडियल वेट है वो किसके आधार पर अपने को नापना चाहिए, किसका आधार मानना चाहिए वेट की कैलकुलेशन करने के लिए, तो वेट की कैलकुलेशन के लिए जो आधार होता है वो हाइट होता है, ऑप्शन बी, हाइट के अकॉर्डिंग व्यक्ति का वेट होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रिस्क फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए कौन से रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये सभी कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर है, ऑप्शन डी इज राइट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज 17 बीट पर मिनट्स, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड्स टू, यानी जो थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो भविष्य में क्या कर सकता है, तो वो भविष्य में कर सकता है रूमेटोइड हार्ट डिजीज, रूमेटेटेड हार्ट, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी इज राइट। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से आगे फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 47 है, ऑन एन एवरेज ए नॉर्मल हेल्दी वुमेन शुड गेन अबाउट हाउ मेनी केज ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में वुमेन है वो कितना वेट गेन करती है, तो ऑप्शन बी इज राइट, 12 kg वेट गेन है वो एक एवरेज वुमेन है वो प्रेगनेंसी में गेन करती है। नेक्स्ट 48 है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी की कितनी रिक्वायर होती है, तो होती है 300 कैलोरी एक्स्ट्रा अमाउंट जरूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, नेक्स्ट ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 50 है, बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, बीसीजी है और ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दी जाती है, ऑप्शन ए इज राइट 50 में। नेक्स्ट 51 है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो फिको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट, फिको ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, डॉट्स इज रिलेटेड टू, डॉट्स ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ऑप्शन बी इज राइट। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर है वो एडीज मच्छर से ट्रांसमिटेड होती है, ये इसका कारक होता है, ऑप्शन ए इज राइट, डेंगू फीवर। 54 में, डेंगू फीवर इज
ट्रांसमिटेड बाई एडीज मॉस्क्यूटो। ऑप्शन ए इज राइट। 55 ट्रेकोमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू आई। ट्रेकोमा है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और आई से रिलेटेड है। 55 में ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 56 है गोनोरिया इज ए डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू। गोनोरिया है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ऑप्शन डी इज राइट। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअली ऑप्शन डी इज राइट। 57 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है कैटरेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट कैटरेक्ट। 57 कैटरेक्ट ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेफरेंस प्रोटीन इज। रेफरेंस प्रोटीन किसका माना जाता है? रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है एग यानी अंडे का। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय एन इंडियन एडल्ट इज ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। यानी इंडियन एडल्ट के द्वारा बॉडी वेट के पर केजी के अकॉर्डिंग कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है? 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जरूरत होती है इंडिया में एडल्ट को। तो ऑप्शन बी इज राइट 1 ग्राम। नेक्स्ट 60 है सैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड है किसी एक को छोड़कर। 60 में है तो जो लोरिक एसिड है पोमिक एसिड है या स्टरिक एसिड है ये सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड है लेकिन जो ओलिक एसिड है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है 61 द मिनरल दैट इज एसोसिएट विद एनीमिया। एनीमिया से कौन सा मिनरल एसोसिएट है? तो एनीमिया से आयरन एसोसिएट है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 62 है एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्वड शुड सप्लाई एट लीस्ट हाउ मेनी ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। मिड डे मील प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी रिक्वायर होती है उसकी कितनी एनर्जी है वो दी जाती है? तो उसकी दी जाती है 1/3। ऑप्शन ए इज राइट 1/3 एनर्जी है वो मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा दी जाती है बच्चों को। ऑप्शन ए इज राइट। 63 है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस शो के लिए एनाफाइलेक्सिस के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एड्रेनलिन दिया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है पिका इज। पिका क्या है? तो पिका एसोसिएट विद पेरिस्टाल्टिक इन्फेस्टेशन की वजह से पिका हो सकता है। मोस्ट कॉमन एज बिटवीन 18 मंथ्स टू 6 ईयर ऑफ एज, ये भी सही है। ईटिंग ऑफ ऑल नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलरली फॉर एट लीस्ट 1 मंथ, यानी 1 महीने, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा के लिए ये जो है वो नए खाने वाली चीज़ों को खाए, तो ये सारी चीज़ें पिका के रूप में सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट 65 है द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलोंग विद नाइट सोइल इज नोन एज 65 अपशिष्ट निदान की विधि जिसमें कचरे को रात में मिट्टी के साथ निपटाया जाता है को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कंपोजिंग। कंपोजिंग ऑप्शन सी इज राइट। 65 में ऑप्शन सी इज राइट। इसको फ्रेंड्स आप डंपिंग अगर मानना चाहते हैं तो इसको फर्दर इवैल्यूएट करें, आपकी बुक में देखें, टेक्स्ट बुक में सर्च करें और उसके बाद में अगर आपको ये कंपोजिंग गलत लगता है तो आप इसके लिए भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस तरह देना है वो आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है द टाइगर मॉस्क्यूटो इज, यानी जो द टाइगर मॉस्क्यूटो इज, टाइगर मच्छर कौन सा है? तो टाइगर मच्छर होता है एडेज। ऑप्शन सी इज राइट। 66 में ऑप्शन सी इज राइट, एडेज इज ए टाइगर मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंडेन एक है तो ये है BHC बेंजेन हेक्सा क्लोराइड BHC। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट 68 है जिंक फॉस्फेट इज एन इफिशियंट। जिंक फॉस्फेट किस में कुशल है? तो जिंक फॉस्फेट है रोडेंटोसाइट्स यानी जो चूहे वगैरह है इनको मारने के लिए जिंक फॉस्फेट है वो यूज की जाती है रोडेंटोसाइट्स। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड्स टू। एक नर्स को पता होना चाहिए कि
कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का खाता है तो उसको क्या हो सकता है? तो सिर्फ जो मक्का खाने वाले हैं उसको हो सकता है पेलेग्रा। ऑप्शन बी इज राइट, पेलेग्रा हो सकता है मक्का खाने से, सिर्फ अगर कोई मक्के की रोटी खाए तो उनको पेलेग्रा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ट्यूबरकुलोसिस में सभी दवाएं यूज की जाती है किसी एक को छोड़ के, तो इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जबकि जो डेस्पोन है ये यूज नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में दो टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट था, सेक्शन ए था, उसमें नर्सिंग से रिलेटेड आए थे, और जो नर्सिंग जो सेक्शन बी था उसमें जीके, मैथ, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आए थे। तो उनका आंसर की बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको किस तरह से एनसीएल को वो ऑब्जेक्शन सेंड करने हैं और कब तक सेंड करने हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी था, जिसमें जीके, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे, उसकी आंसर की आप एनसीएल की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरे पेपर की आंसर की में कोई भी आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो उसके लिए आपको 5 फरवरी 2019 तक का टाइम है। 5 फरवरी तक आप अपने ऑब्जेक्शन सेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कहाँ सेंड करने हैं? ये एनसीएल की ईमेल आईडी पे सेंड करने हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। एनसीएल की ईमेल आईडी है rectdot@gmail.com। इस साइट पे, इस ईमेल आईडी पे आपको 5 फरवरी तक अपने ऑब्जेक्शन सेंड कर देते हैं। ये सारे ऑब्जेक्शन सोल्व होने के बाद में स्टाफ नर्स का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स।